राखी सावंत की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रही, उसमें कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहा जो किसी से नहीं छुपा। हाल ही में जिम के बाहर स्पॉट हुई राखी का सामना जब पेपराजी से हुआ तो वो रोने लगी। फूट फूट कर रोते हुए राखी सावंत ने कहा कि मुझे आदिल धमकी दे रहा है कि मैं 3 शादियां और कर सकता हूँ, वो भी बिना तुम्हें तलाक दिए। राखी ने कहा कि मैंने तो इसके लिए धर्म भी बदला, फिर भी ये किसी और लड़की के प्यार में पड़ा हुआ है। मैं उस लड़की को अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आदिल का पीछा अब छोड़ दे, अब वो मेरा पति है। राखी ने कहा कि मेरे शादीशुदा जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, कब मुझे आदिल तलाक दे देगा मुझे इस बारे में नहीं पता। वो मुझे कहता है कि तुम मीडिया में जाकर सारी बातें क्यों करती हो, तो मैं बता दूं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं भी शायद फ्रिज में मिलूंगी। राखी का दावा है कि जब वो बिग बॉस मराठी में थी तो आदिल के संबंध किसी और लड़की से हो गए और अब वो लड़की आदिल को ब्लैकमेल कर रही है। राखी ने ये भी कहा कि उनके पास उस लड़की के और आदिल के फोटोज और वीडियोस प्रूफ भी है जो वो समय आने पर दिखाएंगी। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने तो सच्चे मन से शादी की है और अब वो माँ बनना चाहती है, लेकिन आदिल उन्हें लगातार धमकी दे रहा है कि वो उस लड़की से शादी कर लेगा। राखी का कहना है कि आदिल उससे कहता है कि वो 4 शादियां कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मीडिया के सामने इतना सब कुछ कहने के बाद राखी ने अब यूटर्न ले लिया है और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि मीडिया गलत खबरें ना दिखाए, आदिल और वो साथ में काफी खुश हैं और किसी भी हाल में तलाक नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज कोई अफवाह ना फैलाएं। अब अफवाह राखी फैला रही है या मीडिया, ये सच तो सबके सामने है।